भाई नाइटलिन गंदा उड़ा रहा है उसको, बहुत गंदा उड़ा रहा है नाइटलिन। अबे इतना हिलता क्यों है भाई ये, कसम से। कूद। ऑल राइट गाइस, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज फिर से हम लोग खेलने जा रहे हैं पाल वर्ल्ड। सो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हमने एक छोटा सा बेस बना के रेडी किया था अपना, जिसमें ये चार बेड्स थे, थोड़ा सा फार्मिंग की स्पेस थी, एक छोटा सा घर बनाया था हम लोगों ने। और सो आज के एपिसोड में हम लोग जाएंगे और अच्छे पोकेमोन पकड़ेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग के कुछ चार पांच पाल्स पकड़ लिए थे, आज चलते हैं देखते हैं कुछ और हाई लेवल पाल्स पकड़ने की कोशिश करेंगे। बॉल्स अपने पास 4 है, आई थिंक और लेनी चाहिए, और बॉल्स बना लेते हैं पहले। क्या कम पड़ रहा है? वुड। ओके, वुड तो मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। ओके ऑल राइट, वुड मिल चुका है अपना, और बॉल्स बना लेते हैं हम लोग। तो पाल्स फेयर है, एक ही बनेगा, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। आई थिंक टोटल 5 हो गए अपने पास, ये 5 हो गए, 5 में तो पकड़े लेंगे कोई ना कोई बढ़िया पाल। लेट्स सी, ऑल राइट गाइस, तो चलते हैं देखते हैं कोई बढ़िया पाल मिल जाए अगर, तो उसको कैप्चर कराते हैं आज। अरे क्यों लड़ रहा है भाई, मत लड़ जरा भाई, पता लड़ने को लगता है सबसे बिना बात के। इससे भाई दूर रहना है अभी फिलहाल, मेमोरस से। ओके गाइस, वो रहा नाइटविंग, क्या पकड़ पाएंगे उसको हम लोग? लेवल 6 के पाल अपने पास हैं, आई होप पकड़ सकते हैं, बट उसको नीचे मतलब इंगेज कैसे करें फाइट में, लेट्स सी। भाई तो पेंगुलेट को निकालो तुरंत, मौसम ठंडा हो जाता है। इसको कैसे बुला सकते हैं नीचे, कोई तरीका है? डायरेक्ट तो आने से रहा ये, देखते हैं फेंक के देखते हैं। ओके किसी से तो फाइट लिया उसने, ओके नाइस। भाई ये हमारी हेल्थ कम कर रहा है, तुम मारो। जब तक वो लड़ा हम तो ये बेरी कलेक्ट कर लेते हैं, तब तक उसको मार ना दे पूरी तरह। ओ ओ भाई, हेल्थ डाउन हो गई उसकी, शिट। अरे मार पिंगुलेट, आएगा? मुश्किल लग रहा है, चेक भी तुम जाओ। लेट्स सी, भाई नहीं आएगा। आजा आजा आजा, नहीं। ओ शिट भाई, शिट भाई, शिट भाई, आई थिंक इससे पंगा लेना चाहिए अभी। नेवर माइंड, ओके अपने पाल्स आई थिंक वहीं गिर गए होंगे। नहीं पाल्स हैं, सामान है अपना, सामान गिर गया। ओके अपने को जल्दी से चल के सामान लेना होगा वहां से, आई होप सामान वो डिस्पॉन ना हो, आई होप सो डिस्पॉन ना होने पाए। भागो 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 भागो, ओके वहीं गिरा सामान। भाई बहुत ताकतवर है, इससे पंगा लेने लायक नहीं है। फायर टाइप पंगा ले सकता है अपना, बट उसको डॉच कराना पड़ेगा अटैक से। नाइटविंग है, चला गया, भाग गया भाई, नाइटविंग भाग गया। ओके नाइटविंग भाग गया, बस वो कौन सा एक्थेडियर, इसको पकड़ सकते हैं, बट लेवल 11 का है भाई ये, भाई गिरा के मारेगा ही तो। चलो लेट्स सी, लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसमें। ओके सो अपना सामान मिल गया हम लोग को, आई थिंक थोड़ा सा पाल्स को और लेवल अप करके तब आते हैं फाइट लेने से। कोई पाल अपना नॉक तो हुआ नहीं है, नहीं नॉक नहीं हुआ कोई भी, ठीक है। तो पाल से थोड़ी वो करता, अपने पाल्स को लेवल अप करते पहले, फिर आते हैं फाइट लेने से। चलो दो पिंगुलेट मारो, अरे मार भाई, कहाँ मार रहा है? अरे
आजा आजा आजा, अंदर आ भाई। व्हाट द हेल, अंदर आ जा। ओके 61% है, काफी चांसेस आ जाएगा। ये फायर टाइप वर्सेस फायर टाइप करें भाई, हम फिर वही गलती कर रहे हैं, हेल्थ अपनी नहीं देख रहे हम। पकड़ो। ओके फायर वर्सेस, भाई मरे कैसे हम, व्हाट हुआ क्या? सीरियसली आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे मरे हम। खैर चलते हैं फिर से। एक पाल तो अपन ने पकड़ लिया फायर टाइप, तो भाई एक तो आ ही गया फॉक्स पार्क, एक ये भी ले लेते हैं। पेंगुलेट लैम्बॉल किसको है, गुमोस को? नहीं, यही वाला सेटअप ठीक है अपना। भाई मेमोरिस्ट यहाँ क्या कर रहा है 34 लेवल का? भाई दूर रहे बेस से, एक गलती से बेस में घुस गया तो गिरा गिरा के मारने लेंगे सब उसको, और उल्टा पड़ जाएंगे उसमें। चलो 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 चलो। ओके आई डोंट नो इस गेम में सामान डिस्पॉन होता है कि नहीं, और होता है तो कितनी देर में होता है कुछ नहीं पता। ओके अपना सामान अपने को मिल चुका है, कैटिवा लेवल 5, एक ही पाल से। एरवट आजा 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 आजा। ओके पल्स फेयर भी खत्म हो गया अपने इसी के साथ। आया कि नहीं, आ गया भाई। बड़े खराब स्किल्स हैं कावर्ड बुलटन, ठीक है भाई मिला भी तो इतने खराब स्किल्स वाले, इससे पंगा नहीं लेना भाई, भी इससे दूर रहना अपने को। ओके अपने मिशन्स हैं कैप्चर 5 लैम्बॉल्स, तो 5 लैम्बॉल पकड़ने हैं पहले। तो पहले चलते हैं बेस पे, कुछ बॉल्स बना के लाते हैं, पालस्फीयर बना के आते हैं, फिर 5 लैम्बॉल्स को पकड़ना है। 5 में से 2 पकड़ चुके हैं, 3 और पकड़ने हैं, और जल्दी से चल के पालस्फीयर बना लेते हैं। 4। ओके भाई आ गया हेल्प करने, चलो लेट्स गो। अपने पास 4 पाल्स फेयर हो गए, अब चलते हैं लैम बॉल। अपने को 3 लैम बॉल पकड़ने हैं, 2 लैम बॉल तुमको सामने ही दिख रहे हैं या तीनों ही सामने हैं? तीनों सामने, इजी पीजी भाई, एक साथ फाइट ना हो जाए। अरे 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 अरे, लेवल 1 का लैम बॉल, तुम भी जाओ तुम भी जाओ। और तुम भी जाओ, परफेक्ट भाई। और इसी के साथ अपना लेवल 7 हो चुका है और पहला ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया मिशन। चलो नेक्स्ट है इंक्रीज योर प्लेयर लेवल बाय कैप्चरिंग 30 पर्ल्स। ओके भाई ये बॉल्स फट से खत्म हो जा रही है, इट्स खराब लगती है। बॉल्स के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? वुड, बस वुड ही चाहिए, वुड कम पड़ रहा है, बाकी सब तो है अपने पास। रिपेयर वर्क बेंच कहाँ है भाई? हमने अनलॉक नहीं किया क्या? लॉक नहीं किया है भाई, तो हम कहें कि सामान रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। 10 वुड, ये क्या है? ओके वुड ही है, ठीक है। अपना ये एक्स डैमेज जिसको रिपेयर कर लेते हैं, जिससे जल्दी पाल्स को मार पाएंगे। बहुत डैमेज रही। ओके अपना स्टैट में आई थिंक वेट बढ़ा लेते हैं अभी के लिए। ओके अपने पास सफिशिएंट वुड है, अभी एक रिपेयर बेंच बना सकते हैं हम लोग। इस रिपेयर बेंच को इसके बगल में लगा देंगे। ओके परफेक्ट, आ जाओ पिंगलेट भाई, हमसे तेज थोड़ा तो वही मार रहा है।
ऑल राइट गाइस, अपना ये वर्क बेंच बन के रेडी है। इसको रिपेयर करने के लिए एक और वुड चाहिए। वुड एक कहाँ से उठा है? यहीं से उठा लेते हैं, इसी पेड़ से। ओके, अपने एक्स को पहले रिपेयर कर लें, फिर फटाफट वुड कैप्चर कर वुड कलेक्ट करेंगे हम लोग। एक्स को अपने करो रिपेयर। ओके, एक्स हो गया रिपेयर। ये वुड ये भी तो उठा के ला रहा है, ये कहाँ से ला रहा है? दो ही वुड है, ज़्यादा है नहीं। ओके, फटाफट वुड वुड इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और ओके, 14 वुड्स हो गए अपने पास। बेस अपग्रेड करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? बिल्ड कैंप फायर। कैंप फायर आई थिंक अनलॉक करना पड़ेगा। कैंप फायर, ये रहा कैंप फायर, इसको अनलॉक करते हैं और फट से बिल्ड करते हैं कैंप फायर को। कैंप फायर ये रहा। कैंप फायर को कहाँ कहाँ रखें? यहीं रखते हैं खाने के बगल में। गाइस, आज के इस एपिसोड में अपने को नाइटविंग को पकड़ना है कैसे भी करके। ओके, इस पे खाना पका सकते हैं अब। खाना चलो छोड़ो, बाद में पकाएंगे। अपने बेस पर कोई फायर टाइप पाल नहीं है आई थिंक ना, ये फायर टाइप नहीं है। अरे यार, नीचे जाओ, इसको यहाँ डाल देते हैं और यहाँ खाना पकने के लिए छोड़ते हैं। जब तक आएंगे तब तक तो खाना पका देगा। पकाओ भाई। अरे ग्लिच हो गया था क्या? ओके, वो खाना पका रहा है फटाफट। तब तक हम लोग चलते हैं, और अपने को बॉल्स चाहिए होंगे, पालस्फेयर और चाहिए होंगी। कम से कम 10-15 पालस्फेयर करके तभी चलते हैं। तीन बन रही है अभी, और देखते हैं क्या सामान चाहिए। वो सामान चाहिए, वो सामान लेके आते हैं और पालस्फेयर बना के तब चलते हैं भाई। आज पकड़ना है नाइट वॉक किसी भी हालत में। क्या क्या सामान चाहिए पालस्फेयर के लिए अपने को? वुड चाहिए, वुड ही कम पड़ा, बाकी सामान तो है भाई। तो वुड फटाफट, ये पेड़ आसपास है कहीं ना, वुड तोड़ लेते हैं। मैं स्टैमिना एक तो खत्म हो जाता है इसका फट से। ऑल राइट गाइस, अपने पास 34 वुड जमा हो चुके हैं, आई थिंक अभी के लिए सफिशियंट है इतना। चलते हैं पालस्फेयर जितनी बनती बना लेते हैं। 11, ठीक है 11। आई थिंक 4 पहले की रखी है तो 15 हो जाएंगी पूरी। भाई कोई हेल्प करा दो। कहाँ के हेल्प कराने वाले सब? पिंगोले हाथ लगवा दे भाई, ये किससे लड़ने लगे? ये लैम्बोस क्यों लड़ गए भाई? बिना बात के कुटाई कर दी उसकी पकड़ के सब। सही है भाई, लैम्बोस को तो बिना बात ही के कूट दिए पकड़ के। ओके, सो अपने पास अभी आई थिंक सफिशियंट वो है, सफिशियंट पाल बॉल्स हैं, 16 बॉल्स हैं। चलते हैं, खाना है अपने पास? खाना नहीं, खाना नहीं है, खाना लेना पड़ेगा अपने को। अरे यार हटो। ओके, अपने 21 बेक्ड बेरीज ले लिए हम लोगों ने, चलते हैं अभी। चलो गाइस लेट्स गो। रास्ते में जो बोर्ड वगैरह मिल रही है उसको उठाते रहेंगे, काम आएगी, बात नहीं भाई। ये मेमोरिस तो यहाँ पे दिख रहे हैं हमको। नाइटविंग किधर गया? नाइटविंग 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 किधर हो भाई? नाइटविंग कहाँ गया? नाइटविंग अभी तो यहीं था। नाइटविंग भाई साहब किधर हैं आप? नाइटविंग 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 भाग गया डर के भाई? नाइटविंग लगा डर के भाग गया। चलो देखते हैं, आज कितना भी छुप लो नाइटविंग बच नहीं पाओगे। आज आज पकड़ेंगे कैसे भी करके। नाइटविंग 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 भाई यहाँ तो नहीं दिख रहा हमको। यूजली इस एरिया में उड़ता रहता है कहीं ना कहीं, अभी तक तो नहीं दिखा। चलो देखते हैं। पहले इस बंदे से बात करते हैं, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ओ भाई साहब क्या कर रहे हो? आर्टिफिशियल आउटसाइड इन ऑर्डर मैटर्स टू मी। हाँ ठीक ठीक है ठीक है। क्या वो किसने पाल्टियम फ्रेगमेंट दिए 5 अपने को?
ओके, स्टोन और जितना वुड मिल रहा उठाते चलेंगे इसको। ठीक वो कहाँ भाग रहा है कैटिवा भाई? नाइटविंग कहाँ है? ऐसे खुले आसमान में रहता है नाइटविंग हमेशा, वो रहा। लेकिन नाइटविंग्स पर इसको पकड़ ले, लेवल 11 का है, बट भाई इसको मारना थोड़ी दिक्कत। देखते हैं, आओ ट्राई करते हैं। जाओ मारो उसको। अरे भाई बहुत गंदा मारता है ये। ओके ठीक है, पिंगलेट जाओ। आजा आजा आजा। अरे भाई क्या मुसीबत है भाई, इसका अटैक बहुत तेज है, बहुत तेज अटैक करता है ये, कुछ ज्यादा ही गंदा अटैक है इसका। चलो पहले यहां से लेके यहां तक चलते हैं फास्ट ट्रेवल करके। भाई अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है अब। नाइटविंग को ही पकड़ेंगे, बॉल्स वॉल्स सब वहीं गिर गई, तुम तो लोग तो भाई बाद में देखेंगे। वो तो डर के भाग रहे हैं अब। भाग जाओ बेटा भाग जाओ। ओके, रात भी होने वाली है। ओके यार अपना सामान इधर पड़ा है, जल्दी से चल के अपना सामान इकट्ठा करते हैं यहाँ से। ओके सब सामान मिल गया अपने को, अब उधर लड़ाई चल रही किसी की, तो थर्ड पार्टी करें क्या? अगर ये एक्थे डियर अगर इसमें मारा जाता है तो थर्ड पार्टी कर देंगे, अगर इसकी हेल्थ लो हुई तो। भाई गंदी फाइट दे रहा है पिंगलेट सब। भाई कितना कम परसेंटेज है, फोर्टीन परसेंट, बट आई डोंट थिंक 14% से कुछ होगा। कहाँ गया? देखें ट्राई करें, ट्राई करते हैं। भाई जाएगी नहीं बहुत दूर। आजा, नहीं जा रही है, छोड़ो। ये क्या है भाई, टी फैंट लेवल 1 लेवल 2, इसको पकड़ लेते हैं। लो अरे आजा, नाटक ना कर, आजा। अबे तेरी, ओए हमला कर रहा है अंदर आ। भाई हमला कर रहा है भाई ये, हद है, छोटा सा है भाई। टी फैंटो के वो रहा नाइटविंग। नाइटविंग बेटा अब तुम गए। आई होप हम ज्यादा हड़बड़ी ना कर रहे नाइटविंग पकड़ने के लिए, भाई फाइट ही नहीं है इसने। उसको मार, अरे उसको नहीं मारना है भाई, इसको मारना है ऊपर जो है। ओके ठीक है, नाइस हमला किया उसने। बेकार अटेम्प्ट, वो कौन शाइनी पाल है भाई? ओके कोई तो शाइनी पाल है उधर। आएगा नाइटविंग, आजा भाई। ओके उसके आग लगा दी उसने। भाई वो भर दिया उसने, भाई गंदा भर दिया पेंगुलेट ने, गंदा नुकसान दिया, बहुत गंदा डैमेज दिया पेंगुलेट ने उसको।
आजा, अबे हेल्थ मत खा, अंदर आ। अबे आजा, क्या मुसीबत है? अटैक मत करना, अटैक मत करना, अटैक मत करना, उस पर अटैक मत करना। ऑल राइट गाइस, फाइनली नाइट विंग पकड़ लिया अपन ने। देखते वो वाला कौन सा, पेंगोलेट भाई, गोल्डन पेंगोलेट, क्या बात है। और इसको भी लपेटते हैं भाई, गोल्डन, इसको तो मारेंगे भाई। बहुत बहुत हैवी है ये। मार 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 इसके, मार। अबे लॉक कर रहा है, व्हाट द हेल। ये कौन सा स्किल भाई, क्या स्किल है इसकी? ये इससे क्या होता है, फ्लफी शील्ड से कुछ नहीं होता भाई ये। ओके, इससे बच जाएंगे, कोल्ड से बच जाएंगे। आजा आजा, अंदर नौटंकी मत कर, आजा आजा। ओके फाइनली गाइस, लकी पाल भी कैप्चर कर लिया हम लोगों ने। ये क्या हुक क्रेट्स, इसको भी कैप्चर करते हैं। सब अलग अलग टाइप के पाल्स को कैप्चर करेंगे आज। आजा आजा, हुक क्रेट्स, पंगे मत ले, पंगे मत ले, पुराना पंगे मत ले। आजा, व्हाट द हेल, दूसरा ट्रिगर हो गया क्या? ये भी ट्रिगर हो गया, पता नहीं क्यों। ओके शर्ट, अपने पास बॉल्स खत्म हो गई है। ठीक है भाई, मार दो चिकपी, मार दो मार दो मार दो, खत्म करो। अबे सबको मार रही है। चलो फाइनली गाइस, हम लोगों ने नाइट विंग को पकड़ ही लिया आज। और देखते हैं, यहाँ पे कोई फास्ट ट्रेवल भी था यहाँ आसपास, कोई हमने देखा था उस, आई थिंक ऊपर जाके था फास्ट ट्रेवल। तो लड़ ले गया आई थिंक, छोड़ो। अब अंदर आ जाओ। ओके जल्दी चल के फास्ट ट्रेवल लॉक करते हैं, वापस बेस पे चलते हैं। ओ भाई डे ड्रीम घोस्ट टाइप है शायद ये। अबे फास्ट ट्रेवल कहाँ है वो रख। ओके सो हम लोग रेन सिंडिकेट टावर पे आ गए हैं, फास्ट ट्रेवल का लॉक किया। बॉल्स कितनी है? बॉल एक ही अपने पास अभी। फाइट ले ना ले, एक ही बॉल है वैसे, ले सकते हैं चाहे तो, ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आजा आजा आजा, अबे दोनों ट्रिगर हो गए, शिट। बॉल्स खत्म, ओह नो, बॉल्स खत्म, भागो यहाँ से, वापस हो, बॉल खत्म, वापस भागो बेस पे। ओके अपन पता नहीं कुछ सिंगल बॉल से फाइट ले रहे थे, बट चलो कोई ना, चलो सो जाते हैं फटाफट, सुबह करते हैं सो के। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग गाइस, नए दिन की शुरुआत। ओके फार्मिंग चल रही है अपना बराबर से, खाना पक गया है, यस। और कुछ है क्या अपने पास पकाने के लिए? ये फ्राई कर सकते हैं, इसमें से आधा रख देते हैं, आधा हम लोग अपने लिए रख लेंगे, आधा इन लोग को दे देते हैं। ओके आई थिंक हम लोग को भूख लगी है इसमें, ये फटाफट खाना खाते हैं, इन लोगों को भी खिलाते हैं। अब जो गोल्डन शाइनी बॉल पकड़ के लाए थे उसको देखते हैं, उसको बेस पे डिप्लॉय करते हैं शाइनी वाले को, इसको और इसको। चलो कहाँ गए शाइनी बॉल, वो रहा। भाई कितना बड़ा है नॉर्मल से ये,
ओके, अपना बेस अपग्रेड कंप्लीट हो गया है, पाल बॉक्स अपग्रेड, इसको अपग्रेड कर लेते हैं। ओके, लेवल 5 का अपना पाल बॉक्स हो गया। आई थिंक अब एक और रख सकते हैं ना, ये कुछ करता है हुक रेट्स, हार्वेस्टिंग कर रहा है भाई ये। ऑलराइट गाइस, सो हम सोचे नाइट विंग को निकाल लेते हैं अपने पास। नाइट विंग क्योंकि बहुत पावरफुल लेवल 11 का है, सो उसको निकाल के अपने पास रख लेते हैं नाइट विंग को। इसके बदले किसको रखे, लैम्प बॉल को रख देते हैं और नाइट विंग को निकाल लेते हैं। आ जाओ नाइट विंग भाई, क्या कितना बड़ा बड़ा है इसमें भाई ये। अरे भाई साहब, आ जा भाई, कितना खुश हो गया इसको देखो। फटाफट सब फूड आइटम जितना भी है पका लेते हैं, इससे हेल्थ जल्दी फुल होगी। फूड आइटम पका रहेगा तो और क्या करना है अपने को, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग को जाके वो सब से वेपन रिपेयर कर लेते हैं जो वेपन डैमेज है। ये है टॉर्च डैमेज है, पिक स्टोन एक्स भी है डैमेज, और वुडन क्लब भी। ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ रिपेयर कर लिया है। लेट्स सी, बो अनलॉक कर लेते हैं आई थिंक सो। बो अनलॉक कर लें, कॉमन शील्ड अनलॉक कर लें, एरो अनलॉक कर लें। बो एंड एरो रहेगा तो फिर आराम रहेगा मारने में। ये हो गया क्लोथ्स, और क्या फॉक्स पाक हार्नेस, और क्या है एज अ फ्लेम थ्रोअर। ठीक है, पाल के वर्क बेंच कर लेते हैं। ये स्टोन पिट और लॉगर्स पिट, इन दोनों को भी कर लेते हैं। और कुछ करना है अपने को, आई डोंट थिंक और कुछ करना है। ठीक है, जो चीज़ हम लोग ने अनलॉक की उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। कुछ बनेगा, आई थिंक सब बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, इंटू 3 होगा ना, सो इसको मैक्स कितना है, 26 ना, इतना नहीं, 15 का लिए 45 हो जाएंगे ये। तो इसको प्रोड्यूस करते हैं फटाफट, एरो बना लेते हैं, फिर उसके बाद बो बना लेंगे। तब तक अपना स्किल पॉइंट भी अपग्रेड कर लेते हैं। आई थिंक अभी ये स्टेमिना बढ़ा रहे हैं अच्छे तो सर। चलो फटाफट बो एरो बना लेते हैं हम लोग। और अड़ गए, जब तक ये एरो अपना क्राफ्ट कर तब तक देखते हैं, और जल्दी जल्दी खाना पका ले भाई। ओके, अपने बेस पर रेड हो गई है। ओह नो, किसकी रेड है, हार्ड ऑफ स्टार्विंग वाइल्ड पल्स। देखते हैं कौन लोग है भाई। ये बो के लिए क्या कम पड़ा है अपने को, वुड कम पड़ा, स्टोन कम पड़ा, कोई बात नहीं। ये रेडर्स किधर से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। ओके, कहाँ के पाल्स, नाइटविंग कहाँ है, नाइटविंग जाओ भाई, ये तो बड़े कमजोर से हैं। अबे मार ही दिया भाई, सोचते कैप्चर कर लेंगे, मार दिया उसको। अबे पागल, उससे क्यों पंगा ले लिया, मेमोरस से मरवाएंगे लोग, मेमोरस से क्यों पंगा ले लिए। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अबे मेमोरस भाई, वो भूत भर देगा। जाओ नाइटविंग लड़ो भाई, ये लो पंगा ले ही लिया तो क्या बोले अब भाई, पागल है लोग। नाइटविंग को मार दिए, वो तो सब मारे गए, सब पल्स मारे गए। कहाँ क्या वो मेमोरस्ट, भाई गजब पागल है भाई, क्यों उससे पंगा लिए बिना बात का।
हम यहाँ से हटे और हमको मारेगा। देखो यहाँ से बेस से भागना पड़ेगा हमको भी। अबे अजीब पागलपन है भाई, देखे नहीं ऐसे भिड़ गए उससे बिना बात के। ओके आई थिंक शांत हो गया। अबे साइज तो देख लो अपना, उसका उसका लेवल 34 38 का मेमोरिस्ट घूम रहा है यहाँ पे। ये सभी लेवल 5 लेवल 6 लेवल 7 के हैं भाई। जाओ भैया मेमोरिस्ट भैया आप जाओ, माफ करो भाई, गजब पागल है। इसके क्या स्किल्स है? टीफेंट की वाटरिंग है। ओके चलो, जब तक ये लोग हील होंगे तब तक बॉल्स बना लेते हैं। भाई सामान ही नहीं है क्या? बॉल्स बनाए कोई? एक सिंगल सिंगल बॉल बन रही है। लकड़ी वकड़ी काट के लाए। आई थिंक स्टोन कम पड़ रहा है अब, तो स्टोन भी माइन कर लेते हैं फटाफट। ये रहा, ट्वेंटी फोर स्टोन्स हो गया। आई थिंक अभी के लिए सफिशेंट रहेगा। लेट्स सी कितने पल्सफेयर बन रहे हैं। 7 बन रही है। थोड़े से और बना लेंगे। किसी पाल को तो बाहर निकाल लो, इससे काम तो करें कम से कम बेस पे ये लोग। अभी इन्हीं लोग को लगा दें रैंडमली जितने खाली हैं, कुछ तो बनाया है, काम करें ये लोग। बाकी और स्टोन ऑफ वुड जमा करना होगा अपने को। ओके स्टोन टूट गया ये वाला, इसको भी तोड़ लेते हैं फटाफट। ओके आई थिंक अभी के लिए इतना स्टोन काफी रहेगा अपने पास। 76 आई थिंक मोर देन सफिशियंट है। ये हो गया, स्टोन को उठा के इसमें डाल देते हैं चेस्ट में। ये हो गया, वुड को भी डाल दो। और वुड अपने आप को लानी पड़ेगी। भाई इसको अंदर रखो पेंगोलिट को, ये हमारी हेल्थ कम कर देती है ठंड बढ़ा के। ऑलराइट गाइस, आई थिंक इतनी वुड सफिशिएंट रहेगी। ये आई थिंक इतनी वुड सफिशिएंट है अपने लिए। ये स्टोन कौन गिरा दिया यहाँ पे? इस स्टोन को और इस वुड को इसी के अंदर रख देते हैं। या अब बाकी पाल्स बॉल्स वगैरह बना लेते हैं। एक बो बना लेते हैं पहले। आ जा भाई कटवा, हाथ लगाओ। एक बो बना ले, इससे बो एनर्जी यूज कर पाएंगे। उसके बाद फिर पाल्स बना लेते हैं, पाल्स फेयर बना लेते हैं इतने बन पाए। अब जितनी बनेंगी बना लो, 12 बना लो भाई। ओके अपना मिशन जो है फिलहाल क्या है? बिल्ड पाल गियर वर्क बेंच और स्टैचू ऑफ पावर। ये पाल गियर वर्क ये कैसे बनेगी वर्क बेंच इनकी? क्या कम पड़ रहा है? वुड कम पड़ रही है और क्लॉथ कम पड़ रहा है। क्लॉथ तो इसी बन जाएगा। वुड चाहिए होगी अपने को, वुड 30 चाहिए। चलो वुड लेके आते हैं। वुड हो गई, अभी आई थिंक बन जाएगा वर्क बेंच। नहीं क्लॉथ कम पड़ा तो क्लॉथ तो ऐसे ही बन जाएगा। दो क्लॉथ चाहिए अपने को ना, तो दो क्लॉथ बना लेते हैं फटाफट। ओके क्लॉथ अपना बन गया फटाफट। अब यहाँ से ये वर्क बेंच इसके बनाते हैं इनके बगल में। आ जाओ भाई लोग, जल्दी जल्दी आओ।
चलो लेट्स सी अपने वाले पार सर्वाइव हुए कि नहीं सब। दो अबे ढाई ढाई मिनट और इन लोगों को। चलो तब तक तो किसी को रख लेते अपने साथ। तो देख लेते हैं अपने पास और क्या क्या सामान अनलॉक कर सकते हैं जो हम लोग। फायर एरो, फायर बो है, नॉर्मल पैराशूट है, रैंच या स्टैचू ऑफ पावर ये बनाना है, इसको अनलॉक कर लेते हैं। और अपने पास एक कोई कपड़ा भी था ना, क्लॉथ आउटफिट, ये कहाँ बनेगा? इसी बनेगा, क्लॉथ चाहिए दो, बना लेते हैं फटाफट। ओके अब इसको आउटफिट बना लेते हैं फटाफट से। आई थिंक आर्मर मिलना चाहिए इससे, थोड़ा शायद आर्मर मिले और बाकी ठंड से बचाएगा, क्योंकि अभी तो अपना ही हम वाटर टाइप पोकेमोन निकाल रहे तो ठंड लग रही है इससे बार बार। ओके सो हम लोगों ने कपड़ा पहन लिया है। ओके इस ओल्ड बो को अभी जो हम लोग ऊपर रख लेते हैं, आई थिंक इसकी जगह रख लेते हैं। यस ठीक है, सिंगल शॉट मारेगी वो ये। और लेट्स गो। और लड़ गए, सभी पाल्स वापस रिकवर हो चुके हैं तो अपने पाल्स को वापस ले लेते हैं। ये हो गया, इसको यहाँ नीचे लगा दो, शाइनी वाला जो है। एक फायर टाइप यहाँ लगा दो, और एक ये लगा दो। तो गया ओके, आई थिंक सब तरह के हो गए। बेस पे एक प्लांट करने के लिए हो गया, ये फायर हो गया, वाटर हो गया, ये आई थिंक इसकी जगह वो लगा दो, चिकपी की जगह उसको लगाते हैं, लैम बॉल को। और ये हो गया कैटेबल, सामान उठाने के लिए। ठीक है अपने पास पार्टी में सब पाल्स है राइट। ओके नाइट विंग ऊपर रखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं गाइस थोड़े और पाल्स पकड़ते हैं। पाल्स फेयर है अपने पास 20 अभी के लिए। अपने को मिशन है अपना, अपने को 30 पाल्स कैप्चर करना है, 18 कैप्चर हो चुके हैं हम लोग के, सो थोड़े ही पाल्स और कैप्चर करना है, कर लेते हैं फटाफट। आ जाओ ऐसे ही आ जाएगा, तुम भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ठीक है ये दोनों आ गए। और कोई है? अपने को 3 लैम्बर और पकड़ने हैं। कौन है भाई यहाँ पे? एक कैटिवा है वहाँ पे, कैप्चर कर लेके। ओके कैटिवा आ जा फटाफट, सब पास को कैप्चर करते हैं, सपना लेवल अप भी होगा और साथ में फटाफट लेवल अप भी हो जाओ, मिशन भी कंप्लीट होगा अपना। चलो तुम कहाँ जा रहे हो? वो तो पढ़ा ही नहीं उसको, अरे पढ़ जा। आजा भाई नौटंकी नहीं करो, आजा ओके। 5 कैटेवा और चाहिए। ये क्रीमस नहीं पकड़ा आई थिंक ना, ये नया पाला, इसको कैप्चर करेंगे तो ज्यादा एचपी मिलेगी। अरे आ जाए भाई, 2 बॉल वेस्ट करा दिया हमारे बिना बात के, हद है। ओके बिल्कुल न्यू पाले, इसको कैप्चर नहीं किया था अभी तक। मैमोरस भी आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर मत भाई, लग जाए गलती से फिर आफत कर देगा भाई ये। उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, इधर मत आओ, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं फिर से, फॉक्स पाक को। आ जाओ अब इस तरफ आ जाओ। ओ भाई अबे दोनों ट्रिगर हो ऐसा नहीं भाई, दोनों का साथ ट्रिगर नहीं करना था हमको। तुम कहाँ घूम रही हो? अंदर आओ भाई, पाल्स फिर कितनी जल्दी खत्म होता है?
मिलपाको क्या बोलते हो गए स्ट्राइकर मिलपाको पकड़ने का लेवल 9 का है, ट्राई करते हैं मिलपाको पकड़ने का। अच्छा अरे आजा भाई अंदर, क्या मजाक है ये, तुमको क्या दिक्कत है भाई साहब? अबे मर चुका था ना कैटी वो? आजा भाई, एक पल्स फिर बचा है, मारना पड़ेगा। अब नहीं है तो मारना पड़ेगा उसको फिर। ओके नेवर माइंड, आ गया। ये हमारा है कि किसका भाई? हमारा ही है, और देख कर तो मानो हम पे ही हमला कर रहा हो। आजा चिक्पी आजा, नाटक नहीं कर। ओके और इसी के साथ मिशन कंप्लीट हुआ, 30 पार्ट्स कैप्चर कर लिया हम लोगों ने। चलते हैं बेस पे फटाफट। अरे चढ़ जा भाई, अंधेरा हो गया एकदम। इसको निकाल, जो रोशनी करेगा साथ में कम से कम। ये भी रोशनी कर रहा है, और हम लोग टॉर्च भी लिए हैं। ऑलरेडी हम लोग अपने बेस पे आ चुके हैं। आई थिंक रात हो गई, इन लोग सोने का टाइम हो रहा है। देखते हैं कौन कौन से पकड़ा था। इसकी स्किल क्या है भाई ये? ओके लेवल 10 का है ना, निकाल लेते हैं। आई थिंक लैम्बोर्ग से किसी को निकाल लेते हैं, अटैक इसका अच्छा है। एक अपने को वो भी पकड़ना है वैसे, जो कौन सा नाम है, एथी डीएर है क्या नाम था उसका, कुछ ऐसे ही नाम था। पल्सफियर बनाते हैं, उसको पकड़ के आते हैं। चलो और बेरीज, बेरीज की तो अच्छी दुकान लगा दी है ये लोग यहाँ पे। अरे आई थिंक इन लोकल सफिशियंट है बेरीज, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी आई सपोज। अब उसके पास खड़े थे, लाइफ कम हो रही थी। अबे हम भूख से हम ही जाते भाई पहले, पाल सो बाद में हमारे गिरते, हम पहले गिर जाते हंगर से। चल अरे कहाँ गए, सोने चले गए सब। कोई नहीं, हम बना लेते फटाफट इसको। एक कोई पाल ऐसा है क्या, बेड नहीं किसी पर शायद, तो वुड कम पड़ी, 8 वुड भाई बनाते हैं, 8 फुट। अरे एक्स निकालो, अपने को 8 फुट चाहिए जिससे एक और बेड बना दे पाल के लिए। ओके ओके सो हम लोगों ने अपने 5 सब पाल्स के लिए 5ों बेड हो गए, जितने पाल्स है उतने बेड है, जितने बेस पे पाल्स है। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग गाइस, एक और दिन की शुरुआत। ये खाना पका रहा है फटाफट, और अपने को और कुछ बनाना था क्या? आई डोंट थिंक सो। वो एथिकल डियर करके जो पाल था उसको पढ़ के लाते हैं। उसका हम सही नाम ले नहीं ले रहे, ले रहे पता नहीं, बट कुछ तो एकेथ्रियर ऐसे कुछ नाम था उसका।
और चलो पकड़ के आते उसको, मिल पाका छोड़ेंगे इस पर आज। भाई अंदर आओ तुम लोग, तुम लोगों को भरोसा है जो मेमोरस पे हमला कर दो, फिर तबाही मचाता है वो आके। अरे भाई उसका अटैक बड़ा अच्छा था, हमको अटैक बहुत अच्छा लगा उसका, मतलब बहुत तेज अटैक करता है वो, जो भी हॉर्स टाइप पाल था वो। और हाजी भाई क्या हाल है? ये पेंगुलेट उड़ने की कोशिश कर रहा था। लॉल भाई, ये पेंगुलेट प्यारा लगता है, फुदक फुदक के भागता है, देखो प्यारा लगता है। चलो अपने को फास्ट ट्रेवल करना है। ये लेवल 11 का चिलेट भी है, इसको पकड़ ले क्या? आई थिंक ट्राई कर सकते हैं पकड़ने का लेवल 11 के चिलेट को, बॉस पोकेमोन को। भाई और ट्राई करते हैं बॉस को कैप्चर करने की, ये बॉस टैग पा रहे हैं इनका। ओके ऊपर लड़ाई चल रही है सिंडिकेट थक की। इन लोग के कैप्चर में कोई पाल होगा, कौन सा है? आई डोंट नो कौन सा है, बट देखते हैं। जो मर, मैं पता नहीं कौन सा पाल है, बट क्यूट है, बहुत क्यूट है ये। जो कोई भी है, भागो 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 भागो। वो बॉस टाइप किधर है? इधर। नहीं तो इधर ही होना चाहिए। ओके ये दिख गया, एक्स डियर दोनों एक साथ ना ट्रिगर हो जाए बस। अरे पकड़ो उसको भाई, पकड़ो उसको भाई, आराम से। शिट भाई क्या अटैक है इसका ये, वो कहाँ लड़ रहा है पाल अपना? उनसे क्यों लड़ रहे हो भाई, छोटे छोटे से हिस्सा लड़ो ना। अबे भाई दोनों क्यों ट्रिगर हो जाते हैं एक साथ? भाई दोनों एक साथ ट्रिगर हो जाते हैं, हद है। ये तो जा चुका था। ओके आई एम नॉट रियली श्योर कि पकड़ में आया कि नहीं आया। ओके आ गया फाइनली, मरते मरते पकड़ में आ गया। चलो मेलबा को अंदर डालो, इसी को ले लो। लेकिन अपने को पालसफियर और बनाने पड़ेंगे आई थिंक। खत्म हो गए पालसफियर, और है भी नहीं। हम वुड तोड़ते हैं तब तक वो बना लेगा। अबे सामान तो वहीं गिरा है, लेकिन सामान कहाँ हमारे पास है? सामान सब वहाँ गिरा हुआ है। फटाफट चलते सामान लेके आते हैं। इन लोग फाइट अभी तक चल रही है। लड़ो भाई तुम लोग, लड़ो लड़ो भाई। हमसे नहीं, हमसे नहीं, हमसे नहीं, हमसे नहीं बोल रहा। यही था ना भाई, यही मारा था लास्ट टाइम। अपना सामान उधर ही गिरा होगा। चलो तो मेन थिंग इसके ये पाल पकड़ में आ गया अपने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको तो कैप्चर कर, उसका जो साथी था वो आके मार दिया, उसको तो कैप्चर कर ही लिया था हम लोगों ने। ओके वापस चलते हैं बेस पे। यहाँ पर कोई चेक पॉइंट का है क्या? नहीं, पूरा मैनुअली जाना पड़ेगा वापस अपने को, पूरा यहाँ से वहां तक।
ओके वो अपने एरो भी खत्म हो गई। अरे सिंडिकेट था कभी तक यहीं पे है। मार दे क्या इन लोगों, आफत करेंगे फालतू में। मार दो, मार दे नाइट विंग, उड़ा दे। नाइट विंग फोड़ दे इन लोगों। वैसे नाइट विंग को हमने ऐसा डिस्ट्रैक्शन यूज किया था कि वो जब तक लड़ेगा तब तक हम किनारे से निकल आएंगे। सो अपने को अभी के लिए अपने को एरो बनाना है। एंड कितने बनेंगे एरो? 9 बनेंगे ना, बना लो। 9 से 27 बन जाएंगे, ठीक है। और फॉर द टाइम बिंग हम लोग थोड़े से लकड़ी और स्टोन इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स कहाँ है? ये थोड़ी सी लकड़ी हो गई अपनी, थोड़ा सा स्टोन भी इकट्ठा कर लेते हैं। सर स्टोन तो तोड़ के रखा ही है इधर, स्टोन तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले से टूटा हुआ था। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ भाई जल्दी बनाओ। गाइस आज का मिशन है इसको कैप्चर करना है अपने को, जो चिलेट है बॉस पोकेमोन पहला जो है। ये कहाँ भाग गया छोड़ के? हद है भाई, वो सामान उठाने लगा वहां, पता नहीं क्यों जाके। अपने पास भी तो होगा ऐसा कोई कोई है जिसको हाँ, पिंगुलेट को साइन कर सकते हैं। चलो आ जाओ पिंगुलेट भाई, हाथ बटाओ फटाफट। लेकिन आई थिंक अपने को और पाल चाहिए होगा, सो हो जाएगा क्या? ट्राई करते हैं, लो ट्राई करते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक ही है, वेल एंड गुड। चलो चलते हैं फिर से चिलेट को पकड़ने। चिलेट आई एम कमिंग फॉर यू। चलो लेट्स गो टू चिलेट। मिस्टर चिलेट आपका बुरा दिन शुरू होता है अब। नाइटविंग अपने पास है, पेंगुलेट है, देखा जाए तो हर तरह के अपने पास पाल्स हैं अभी के लिए फाइट लेने के लिए। ये क्या? ओके फ्री के पाल्स फिर, नॉट बैड। ओके एक और नाइटविंग लेवल 9 के ऊपर उड़ रहा है। फिलहाल बॉल्स वेस्ट नहीं करेंगे इस पर हम, क्योंकि चिलट बॉस टाइप है और थोड़ा मुश्किल होगा पकड़ना उसको। से बॉल वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी चलते हैं। और गेस्ट हम लोग चिलेट पास पहुंचने वाले हैं। वो रहा लेवल 11 चिलेट भाई, चिलेट पाजी तू तो गया बेटे। अरे जाओ नाइटिंग उड़ा दो इसको। अबे हम क्या कर रहे हैं भाई, मुंह पे खाया। ओए शिट, भूत बना दो भाई इसका। भाई नाइटविंग गंदा उड़ा रहा है उसको, बहुत गंदा उड़ा रहा है नाइटविंग। अबे इतना हिलता क्यों है भाई ये, कसम से। कूद, शिट
ओके, इसकी हेल्थ कम है, अब हम डालते हैं बॉल। आ जाओ, आ जाना भाई, अंदर आ जाना, अंदर आ जाना, आ जा आ जा आ जा। ऑल राइट गाइस, पहला पहला बॉस अपना। इन लोगों को भी कैप्चर करते हैं फटाफट। ऑल राइट गाइस, सो आज के इस वीडियो को ये एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।